play and count. Clap. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांशु असौल और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। स्पाइडरमैन होमकमिंग में टॉम हॉलैंड ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और इस मूवी में एक ही की फैक्टर है जो इस मूवी को बाकी सारी मूवी से अलग करती है, वो है इसकी ब्रांड न्यू फिक्शनल टेक्नोलॉजी। और इस मूवी में स्पाइडरमैन को टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने प्रोवाइड की है। और मूवी में इन्हीं ढेर सारी फिक्शनल टेक्नोलॉजी के बीच में से आज हम सूट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो अलग अलग कॉमिक्स में स्पाइडी के पास कई सारे सूट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्पाइडी के टॉप 10 सूट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से, स्पाइडरमैन 2099। ईयर 1992 में मार्वल कॉमिक्स के क्रिएटर्स ने यूनिवर्स 2099 को रिलीज किया। चार कॉमिक्स के साथ वो थे डूम, पनिशर, रैवेज एंड द स्पाइडरमैन 2099 इशू 1। और स्पाइडरमैन 2099 में ये स्टोरी थी कि मैग्वेल ओहारा एक जीन साइंटिस्ट होते हैं और वे एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जो स्पाइडरमैन की पावर्स को दोबारा साल 2099 में फिर से यूज़ कर सकें। और किसी रोज़ एक रात मैग्वेल ओहारा बहुत ही हाईली एडिक्टिव ड्रग को एग्जामिन कर रहे होते हैं, मगर ना चाहते हुए भी उन्होंने वो ड्रग अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और उनका DNA कोड अरैकनिड स्पाइडर के ड्रग से 50% मैच हो गया। और अपने इविल बॉस से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मैग्वेल ओहारा ने एक सूट पहन लिया जो उन्होंने डेथ फेस्टिवल के दिन पहना था। और वो मैग्वेल ने नेवी सूट पहना था, वो बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना था। और ये सूट की खास बात ये है कि सूट ऐसे ही मार्केट में खरीदा नहीं जा सकता। ये सूट फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स ने ये फैब्रिक डिस्कवर किया था जो किसी भी सुपर ह्यूमन को उसके पावर्स यूज़ करने देता है बिना कपड़ों को डैमेज पहुँचाए। तो नंबर 9, स्पाइडरमैन 2211। ये स्पेशल स्पाइडरमैन 23rd सेंचुरी का है और ये अर्थ 9500 से बिलोंग करता है। इसमें का स्पाइडरमैन एक पुलिस ऑफिसर रहता है जो कॉमनली टाइम स्पिनर के नाम से जाना जाता है। मैक्स बॉर्न ने एक स्पाइडीज की टीम भी कॉमिक्स में बनाई है जो टाइम स्ट्रीम में दिक्कत लाने वाले लोगों से निपटते हैं। और स्पाइडी के इस कॉस्ट्यूम को डॉक्टर ऑक्स के साथ सिमिलरली मैच किया जा सकता है। और स्पाइडी के ये सूट के आर्म्स मेंटली कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। स्पाइडी 2211 के सूट में ब्लू, रेड मैकेनिकल आर्म्स, चेस्ट पे एक ओवरसाइज्ड रेड स्पाइडर और बॉर्न कॉस्ट्यूम में एक हेलमेट भी है जो उसके मल्टीपल विजुअल्स का व्यू देता है। तो अब आते हैं नंबर 8 पे, द आयरन स्पाइडी। जैसे कि हम सभी ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर देखी है, उस मूवी में टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन को एक सूट देते हैं जो फुल्ली फीचर्ड होता है, लेकिन सिविल वॉर सीरीज इतनी बड़ी है कि उसे एक मूवी के अंदर समराइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर कॉमिक्स में आगे चलते चलते टोनी स्टार्क स्पाइडी को एक और सूट देता है जो आयरन मैन से इंस्पायर्ड होता है। तो जैसे कि सिविल वॉर में कुछ हीरोज गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और इसी बीच कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क की दो टीम भी बन जाती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन ये तो हुई स्टोरी की बात। टोनी स्पाइडी को एक सूट देता है जो कटिंग एज मटेरियल से बना होता है और उस सूट में चार कंट्रोल करे जा सके वाले रोबोटिक आर्म्स भी होते हैं। ये स्पाइडी का अब तक हाईली फंक्शनल सूट रहता है और इसके साथ साथ अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन इस सूट को पहने तो उसकी भी पावर्स बढ़ जाती हैं। और ठीक उसी तरह स्पाइडरमैन के स्पाइडी सेंसर्स और उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। और जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सूट है, सीक्रेट एवेंजर्स की स्टोरी के दौरान ये सूट में खराबी आ जाती है और ये डिफेक्टेड हो जाता है। साला चाइना का माल निकला। तो आते हैं नंबर 7 पे, स्पाइडी आर्मर मार्क 3। ठीक जैसे आयरन मैन के पास आर्मर है, बैटमैन के पास आर्मर है, वैसे ही स्पाइडी के पास भी एक आर्मर है। ये आर्मर पीटर पार्कर ने अपने खुद के रिसोर्सेज से डिस्कवर किया है होराइजन लैब्स के साथ। ये आर्मर स्पेशली सिनिस्टर 6 के साथ फाइट करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद पीटर ने सोचा कि अब इस सूट को दोबारा यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ फाइट के दौरान स्पाइडी के पास आखिरी में आर्मर का ही सहारा बचता है और पीटर इसे दोबारा यूज़ करता है। ये सूट इतना स्ट्रांग रहता है कि ये अकेले राइनो को डिफीट कर सके बिना किसी पावर्स के साथ। ये सूट इलेक्ट्रोस की पावर रखता है और सैंडमैन को हराने में भी कामयाब है। ये मार्क 3 बहुत ही हाईली एडवांस है और ये यहाँ तक कि आयरन मैन की तरह फ्लाई भी कर सकता है। तो आते हैं नंबर 6 पे, द सिम्बियोट। हम सभी मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने स्पाइडरमैन 3 देखी है और हम जानते हैं कि सिम्बियोट का रोल क्या है। पीटर पर सिम्बियोट की ईविल पर्सनैलिटी हावी होने लगती है और वो धीरे धीरे बुरा हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है तब पीटर बड़ी मुश्किल से सूट को उतारता है। तो फिर आगे जाके पता चलता है सिम्बियोट की और भी ज़्यादा ताकत है। तो आते हैं नंबर 5 पे, स्टेल्थ सूट। अगर आप गेमर हैं तो आपको पता होगा स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। स्पाइडरमैन ने ये सूट्स कुछ स्पेशल सिचुएशंस के लिए बनाया था सुपर विलन से लड़ने के लिए,
जब जब हॉबगॉब्लिन अपनी बहुत ही तेज आवाज से स्पाइडी को कमजोर कर रहा था, तब मजबूरन स्पाइडी को ये सूट बनाना पड़ा। और इस सूट की खासियत यह है कि ये सूट साउंड वेव को बेंड कर सकता है और लाइट वेव्स को भी। इसी के कारण ये सूट स्पाइडी को स्टेल्थ यानी खुफिया मिशन पे भी पावर्स देती है। और ये टेक्नोलॉजी स्पाइडी ने दो सुपर हीरोज से ली है, एंट मैन जो है हैंग पिम और आयरन मैन जो इस सूट के इन्वेस्टर हैं। तो आते हैं नंबर 4 पे, फ्यूचर फाउंडेशन। इस सूट को भी स्पाइडरमैन एके पीटर पार्कर ने ही डिज़ाइन किया है। जब पीटर पार्कर को फ्यूचर फाउंडेशन ज्वाइन करना पड़ा, और ये फ्यूचर फाउंडेशन जॉनी स्ट्रॉम्स की आखिरी वसीयत थी तो जो उन्होंने पीटर पार्कर को दे दी। इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर मेंबर के कॉस्ट्यूम एक जैसे हैं, और इन सबके सूट्स का फैब्रिक थर्ड जनरेशन के अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना था जो सोचने की शक्ति से चेंज हो सकती हैं। जैसे स्पाइडी अपने सूट की कलर और मॉडिफिकेशंस कभी भी चेंज कर सकता है, वो भी सिर्फ अपने माइंड से। तो आते हैं नंबर 3 पे, द बॉम्बास्टिक बैगमैन। जब रीड रिचर्ड्स ने सबसे पहले जाना कि एलियन सिम्बियोट को पीटर पार्कर से अलग करने पे अब उसे नॉर्मल ह्यूमंस की तरह कपड़े बदलने पड़ेंगे, और पीटर के पास उतना टाइम नहीं था कि वो तुरंत अब नया सूट बना सके, और वो अपनी आइडेंटिटी भी सबको रिवील नहीं करना चाहता था। लेकिन उस समय ह्यूमन टॉर्च ने पीटर पे थोड़ी सी रहम खाकर अपनी फैंटास्टिक फोर की ओल्ड कॉस्ट्यूम दे दी, और उस कॉस्ट्यूम के साथ उसके फेस को कवर करने के लिए एक पेपर बैग भी दे दिया, और मजाक के लिए जॉनी ने उसके पीठ पे किक मी का साइन भी लगा दिया। तो आते हैं नंबर 2 पे, आइडेंटिटी क्राइसिस। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि कॉमिक में स्पाइडी डॉक्टर ऑसबॉर्न के अपोजिट रहता है, और डॉक्टर ऑसबॉर्न ने $5 million का इनाम भी रखा रहता है स्पाइडी को पकड़ के लेके आने पर। लेकिन इस कॉमिक में पीटर ने अपने नॉर्मल सूट को यूज करने की वजह 4 अलग अलग कॉस्ट्यूम्स बनाए डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, और स्पाइडी ने 4 सूट्स को 2 कैटेगरी में भी डिफाइन किया है, जैसे कि हॉर्नेट और प्रोडिजी हीरोज को डिफाइन करते हैं, और डस्टिन और रॉचेट क्रिमिनल्स को डिफाइन करते हैं। और पीटर ने इन दोनों क्रिमिनल सूट को इसलिए बनाया कि वे क्रिमिनल्स और अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उठ बैठ सके और उनके इवल प्लान्स जान सके। और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1, द ओरिजिनल सुपीरियर स्पाइडरमैन। इसमें पीटर पार्कर के साथ लगभग सब अच्छा चल रहा होता है, मगर एक दिन पीटर ऑटो ऑक्टेवियस से मिलने आता है जो पहले तो एक विलन रहता है मगर अपने लाइफ के आखिरी स्टेजेस पे चल रहा होता है। मगर अचानक धोखे से ऑटो ने पीटर का माइंड एक्सचेंज कर लिया, और पीटर उतने हाई ईवल फील्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। पीटर का दिमाग ऑटो के बॉडी में चल जाता है और ऑटो का दिमाग पीटर के। लेकिन जब पीटर ऑटो के बॉडी में जाता है तब उसे एक बात याद आती है, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर ऑटो को रियलाइज़ होता है कि उसके बॉडी के कुछ फील्स उसे बुरा करने से रोक रहे हैं, जैसे कि लोगों को बचाना। और फिर ऑटो को रियलाइज़ होता है कि पीटर की पावर्स का असली हकदार तो सिर्फ पीटर ही है। तो दैट्स ऑल, मेरा फेवरेट तो आयरन स्पाइडी था। मुझे आप जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में से कौन सा सूट अच्छा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, और मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करो पीजे एक्सप्लेन्ड।